हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज आप सामने जो गाड़ी देख रहे हो ये है हुंडई की वेन्यू। और वेन्यू जो गाड़ी है ना ये कॉम्पैक्ट एसयूवी में आती है। और जो कॉम्पैक्ट एसयूवी का अभी जो मार्केट है ना इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है क्या ही बताऊँ। हर किसी को यहाँ पे कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए ही चाहिए। इसीलिए देखो एक्सयूवी 300 का जो है फेसलिफ्ट जो आने वाली है उन्होंने भी बहुत वहाँ पे अच्छे फीचर्स वहाँ पे दे रहे हैं। सुना है उसमें जो है पैनारोमिक सनरूफ जो फीचर है वो उसमें कॉम्पैक्ट एसयूवी में देने वाले हैं, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट वहाँ पे बनने वाला है। लेकिन जो है कॉम्पैक्ट एसयूवी है वो हर जगह पे डिमांड में यहाँ पे रहती है। ठीक वैसे ही यहाँ पे हुंडई की वेन्यू जो है कॉम्पैक्ट एसयूवी में आती है और इसकी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेल हो जाती है। और ये जो सामने आप मॉडल देख रहे हो ये है हुंडई की वेन्यू का एस मॉडल, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिकता है। बेसिक जो स्टैंडर्ड फीचर है वो सारी चीज़ें इसमें आ जाते हैं। और क्या क्या आते हैं, कितने में आ रहा है, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर यहाँ पे कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले एक बार फिर से नाम बता देते हैं। ये जो आप सामने मॉडल देख रहे हो ये हुंडई वेन्यू का एस मॉडल है, पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिकता है। फ्रंट की यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका ग्रिल, इतनी शानदार प्यारा सा यहाँ पे ग्रिल मिल जाता है। डार्क क्रोम के साथ यहाँ पे ग्रिल मिलता है रेक्टेंगुलर शेप में, बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा है, देख सकते हो। और जो हुंडई का लोगो है ना ये भी यहाँ पे डार्क क्रोम में मिल जाता है। बाकी जो है इसके DRLs की बात करेंगे तो यहाँ पे DRLs इसमें नहीं आते हैं, इससे ऊपर वाले वेरियंट्स है एस ऑप्शनल उसमें मिलना स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पे जो है टर्न इंडिकेटर वो हैलोजन बल्ब के साथ यहाँ पे प्लेस है, देख सकते हो। और बाकी ये एक ही है, बाकी ये जो है ये रिफ्लेक्टर है, मतलब नॉर्मल है, कुछ भी यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं दी गई है। नीचे जो है इसके हेडलाइट्स के यूनिट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जो कि है हैलोजन बल्ब के साथ है, देख सकते हो। और छोटा सा जो है पायलट लैंप भी अंदर दिया गया है, बढ़िया लग रहे हैं, अच्छा है। बाकी फॉग लैंप जो है पूरा पूरा गायब कर दिया है, हर एक जो है गाड़ी के साथ हुंडई ने फॉग लैंप जो है रिमूव कर दिया है। फ्रंट में जो है सिल्वर कलर का स्किड प्लेट ज़रूर मिल जाता है, बहुत अच्छा यहाँ पर लगता है। तो ये है कार का जो है सामने से कुछ। अब जो है कार के साइड की तरफ आएंगे तो साइड देखो, अमेजिंग जो है ना गाड़ी का लुक जो है यहीं से आता है। इसका जो रोड प्रेजेंस है कितना शानदार यहाँ पे लग सकती है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बात कर लेंगे तो यहाँ पे जो लंबाई है वो 3995 mm, मतलब कि अंडर सब 4 meter यहाँ पे कार यहाँ पे मिल जाती है। 3995 mm कार की जो लेंथ है, कार की जो चौड़ाई है वो यहाँ पे 1770 mm देखने के लिए मिलेगा। और कार की जो ऊँचाई है वो यहाँ पे 1617 mm की देखने के लिए मिल जाता है, बहुत ज़बरदस्त है। 2500 mm का यहाँ पे व्हील बेस मिल जाता है, बढ़िया है। और जो ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिलता है ना वो यहाँ पे 190 mm का मिल जाता है, ज़बरदस्त है। टायर की बात कर लेंगे यहाँ पे तो टायर देखो यहाँ पे 195/65 R15 का यहाँ पे मिल रहा है, स्टील रिम है, व्हील कवर है ग्रे कलर का, बढ़िया लग रहा है। 5 नट के साथ यहाँ पे आ रहा है और फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक्स आते हैं। और ये जो है ABS, EBD, CSC, कॉर्निंग स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह सब कुछ इसमें आ जाते हैं। व्हील आर के यहाँ पे देखेंगे तो पतली सी यहाँ पे मिलता है, ज़बरदस्त सा, देख सकते हो आप। फेंडर पे इंडिकेटर आता है जो कि हैलोजन बल्ब के साथ है, देख सकते हैं। और ये जो है ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल यहाँ पे मिल जाता है, बट मैनुअली यहाँ पे फोल्डेबल रहता है। ए पिलर ग्लॉसी ब्लैक में यहाँ पे मिल जाता है, बी पिलर जो है मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ यहाँ पे मिल रहा है, देख सकते हो, बढ़िया लग रहे हैं। ऊपर जो है सिल्वर कलर का रूफ रेल से यहाँ पे मिलता है, ज़बरदस्त है। बॉडी कलर के डोर हैंडल्स दिए गए हैं। तो ये था कहानी कुछ इसके साइड से। अब जो है आते हैं कार के मेन रियर लुक, जो रियर है ना इसका वो अमेजिंग यहाँ पे मिल जाता है, देखो है ना, ज़बरदस्त लग रहा है कार का जो है रियर प्रोफाइल। और ये जो है ना यहाँ पे ये ओनली इसमें डिज़ाइन मिलता है, बट कुछ लोग हैं इसको कॉरल वॉक से यहाँ पे LED जरूर यहाँ पे लगवा लेंगे, लेकिन ये जो है ओनली इसमें डिज़ाइन मिलता है। बाकी अपर वेरिएंट्स में LED मिल जाता है कनेक्टेड वाली, जो जलती है काफ़ी शानदार यहाँ पे लगती है, बट यहाँ पे जो है ओनली डिज़ाइन है। हैलोजन बल्ब में यहाँ पे ब्रेक लाइट्स यहाँ पे मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब पे है, और जो रिवर्स लैंप है वो यहाँ पे प्लेस्ड है, देख सकते हो, जो कि हैलोजन बल्ब के साथ है। ऊपर ही रिफ्लेक्टर है और एक दो यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स इस गाड़ी में मिल रहा है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो हुंडई वेन्यू यहाँ पे मिलता है, क्रोम में लिखा हुआ है, देखो डिफॉगर मिल जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप जो है, बल्ब जो है इसके अंदर वो हैलोजन बल्ब में है, और ऊपर है शार्क फिन एंटीना। बाकी इस वेरिएंट में कोई कैमरा वगैरह इसमें नहीं आता है। नीचे जो है सिल्वर स्किड प्लेटें ज़रूर मिल जाता है, जो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे रियर प्रोफाइल बना देता है। अब जो है इसका बूट की बात करेंगे, बूट से पहले इसका फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं। फ्यूल टैंक यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे E20 यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, ये वाले जो है फ्यूल 2024 मॉडल है, लेटेस्ट वाला है, देख सकते हो स्टिकर के साथ यहाँ पे मिल रहा है। पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी यहाँ पे जो है वो 45 लीटर का यहाँ पे मिल जाता है। कर देते हैं इसको बंद कुछ इस तरीके से। अब जो है इसका बूट दिखाते हैं आपको, तो यहाँ से ओपन हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ज़रूर मिल जाता है, देख सकते हो। और जो नंबर प्लेट लाइट है वो यहाँ पे हैलोजन बल्ब के साथ यहाँ पे दिया गया है। और ये रहा इसका बूट स्पेस,
बढ़िया सा यहाँ पे बूट स्पेस जरूर मिल जाता है, अच्छा स्पेस है यहाँ पे। तीन जो सूटकेस है मीडियम वाले वो यहाँ पे ज़रूर आ जाएंगे। स्पेस यहाँ पे लीटर्स में बात करेंगे तो 350 लीटर का यहाँ पे मिल जाता है, यानी 350 लीटर का। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। और ये रहा इसका रिफ्लेक्टर। स्टेपनी यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे तो अपोलो के टायर्स ही यहाँ पे मिल रहे हैं। और जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे 195/65R15, मतलब कि सेम साइज़ का ही यहाँ पे मिल रहा है। स्टील रिम के साथ है, जैक वगैरह इसी के अंदर है। बाकी लगेज लैंप वगैरह इस वेरिएंट में नहीं आता है, देख ही सकते हो आप। तो ये था कुछ बूट के बारे में। और इसको बंद करना है तो यहाँ पे ये ग्रैब हैंडल दिया गया है। और ये जो है ना, ये क्या चीज़ है आपको बताऊँ, ये जो है बाई चांस अगर बैटरी लो हो जाए ना और बूट जो ओपन करना है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक बटन है ये तो इलेक्ट्रिक है, तो अगर बैटरी लो हो जाए तो क्या कैसे आप ओपन करोगे, तो अंदर से जो है सीट को फोल्ड कर सकते हो। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे जो है एक कीज़ या कुछ भी एक लंबी सी चीज़ इसको अंदर डाल के इसको इस तरफ करना है तो ये जो है लॉक, ये अनलॉक यहाँ पे हो जाता है। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। करते हैं इसको बंद। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले गाड़ी की कीज़ देख लो आप। ये है इसका कीज़, जो कि पहले वाली जो आ रही थी वैसे ही आपको यहाँ पे मिलने वाला है। लॉक अनलॉक और बूट ओपन करने का बटन यहाँ पे दिया गया है। एक मैनुअल है, एक फ्लिप की यहाँ पे मिल रहा है। अब चलते हैं अंदर। ये देखो इसका अंदर का है ना, ज़बरदस्त बीच कलर, ब्लैक कलर का, और यहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे लग रहा है इंटीरियर। काफ़ी शानदार इंटीरियर यहाँ पे मिल जाता है वेन्यू का, बहुत ही प्रीमियम क्लास की यहाँ पे फील जरूर हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं बीच कलर है। ये जो है कंट्रोल्स यहाँ पे चारों के चारों पावर विंडो यहाँ पे ज़रूर मिल जाता है। ड्राइवर वाला ऑटो डाउन और ऑटो अप दोनों के साथ यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो सेंटर लॉकिंग वाला बटन है, और ये मिरर एडजस्ट करना, लेफ्ट करना, राइट करना है, और ये एडजस्टमेंट वाला बटन यहाँ पे दिया गया है। फोल्डेबल नहीं आता है, मैनुअली फोल्डेबल है, मैंने पहले बता दिया था। सिल्वर यहाँ पे कलर का डोर लीवर जरूर मिल जाता है। ट्विटर्स के लिए यहाँ पे ट्विटर्स भी दिया गया है। हाँ, स्पीकर्स यहाँ पे मिल जाता है, ग्रिल देख सकते हो। ये रहा इसका बॉटल होल्डर, न्यूज़पेपर होल्डर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डोर में मिल जाती है। अब जो है इसकी सीट की बात करेंगे तो सीट देखो आप, बहुत अच्छा यहाँ पे सीट मिलता है, नो डाउट बहुत अच्छा है। फैब्रिक में ज़रूर मिलता है, लेकिन जो क्वालिटी है काफ़ी बेहतरीन है। बट इसकी जो कुशनिंग है ना, वो आपको शायद थोड़ा सा हार्ड आपको ज़रूर महसूस हो सकता है, बट जो है बहुत अच्छा है, रिलायबल है। और इस पे ऊपर अगर आप सीट कवर लगा लेंगे तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे बन जाती है। बाकी इसमें जो है हाइट एडजस्टमेंट नहीं आता है इस वेरियंट में। और यहाँ पे सीटों में भी एयर बैग है। हुंडई हर एक गाड़ी में अब 6 एयर बैग ज़रूर दे रहे हैं सेफ्टी के लोग। और एडजस्टमेंट हेडरेस्ट यहाँ पे मिल जाता है ज़रूर, देख सकते हो फ्रंट की, रियर के भी ज़रूर मिल रहे हैं, देखो है ना बढ़िया। अभी रियर का भी दिखाऊंगा पूरा। अब जो है अंदर का यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला बटन यहाँ पे मिल जाता है, उसको ऑफ़ करना है तो यहाँ पे बटन दिया गया है। ये ट्रैक्शन को डिसेबल करना है तो उसके लिए बटन यहाँ पे ज़रूर दिया गया है। और ये हेडलाइट लेवल करने वाला बटन यहाँ पे मिलता है। अंदर बैठते हैं फिर, अंदर का माहौल आपको यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं। तो गाइस मैं बैठ चुका हूँ अंदर, देख सकते हो इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पे आपको ज़रूर फील होगा। और एक बार इसको ऑन कर लेते हैं तो ये जो है स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हो आप। सबसे पहले स्टीयरिंग देखो तो यहाँ पे जो है राउंड शेप में यहाँ पे मिल जाता है, बढ़िया है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिलता है, सिल्वर फिनिशिंग यहाँ पे मिल रहा है। इधर जो है म्यूज़िक के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और इस साइड को जो है MID डिस्प्ले कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बटन दिए गए हैं। बाकी हॉर्न बीच का हो गया देख सकते हो, और यहाँ पे देखेंगे तो वाइपर वाले फंक्शन। इस साइड को जो है हेडलाइट, जो कि ऑटोमेटिक हेडलाइट के साथ यहाँ पे मिल रहा है, बढ़िया है। स्टीयरिंग जो है यहाँ पे टिल्ट मिल जा रहा है, टेलीस्कोपिक नहीं है। बाकी यहाँ पे क्लस्टर की बात करेंगे तो क्लस्टर देखो काफ़ी खूबसूरत से यहाँ पे मिल जाता है। और ये जो है डिजिटली है पूरे का पूरा, देख सकते हो। बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, क्लस्टर लाइट, डोर कन्वीनियंस, यूनिट वगैरह, रीसेट, यहाँ सब ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेट कर सकते हो। डिस्टेंस टू इम्पैक्ट यहाँ पे आ जाता है, ट्रिप है ट्रिप भी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेकआउट आप कर सकते हो। RPM और जो है स्पीडोमीटर दोनों यहाँ पे डिजिटली शो करता है। बाकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ पे आ जाता है, बढ़िया लगता है। और यहाँ पे देखेंगे इसका म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा यहाँ पे मिल जाता है, देख सकते हो, टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। और ये जो है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले ज़रूर यहाँ पे सपोर्ट करता है, और अच्छा यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम यहाँ पे मिल जाता है। साइज़ जो है इसमें 8 इंच का मिलता है। बाकी सिल्वर फिनिशिंग मिल जाता है AC वेंट के चारों तरफ। यहाँ पे बटन्स दिए गए देख सकते हो आप, यहाँ पे जो हेडसेट लाइट वाला बटन यहाँ पे दिया गया है, वॉल्यूम का ये हो गया। इधर मैनुअल AC है देख सकते हो आप। और यहाँ पे देखेंगे तो USB पॉइंट 12 वोल्ट आउटपुट 120 वोल्ट आउटपुट के साथ है। और टाइप सी ज़रूर यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि आजकल टाइप सी बहुत कॉमन हो चुका है, टाइप सी पोर्ट भी यहाँ पे मिलता है।
यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिलता है फ़ोन वगैरह रखने के लिए। ट्रांसमिशन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पे मिल जाता है, लेदर है। यहाँ पे कीज़ रखने के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे देखोगे तो बोतल होल्डर या कप होल्डर यहाँ पे दिया जरूर गया है। और यहाँ पे हैंड ब्रेक हो गया एकदम सिंपल वाला, हैंड रेस्ट जरूर मिल जाता है, बढ़िया चीज़ है ये। अंदर स्पेस है और ये जो है ऊपर जो है सॉफ्ट मटेरियल है, अच्छा है। और यहाँ पे जो है आप फ़ोन वगैरह रखने के लिए स्पेस ऊपर ज़रूर मिल जाता है। अंदर जो है सिंपल ग्लव बॉक्स मिलता है। आईआरबी मैनुअली डिनेट एडजस्टमेंट यहाँ पे आ रहा है और टिकट होल्डर इसमें नहीं है। लाइटें वगैरह यहाँ पे नहीं दिया गया है। माइक्रोफोन ज़रूर मिल जाता है यहाँ पे कॉलिंग के लिए। इधर जो है वैनिटी मिरर बड़ा सा यहाँ पे मिलता है, अच्छा है। बाकी लाइट जो है एक मिलता है अंदर की तरफ, देखो कुछ इस तरीके से। तो ये था इसका अंदर का माहौल फ्रंट का। एक बार इसका रियर केबिन का स्पेस वगैरह आपको ज़रूर दिखा देता हूँ। पहले इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, ये कंफर्टेबल है मेरे लिए। अब जो है पीछे चलते हैं। तो डोर देखो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल जाता है, ज़बरदस्त सिल्वर फिनिशिंग यहाँ पे भी मिल रहा है। पावर विंडो वाला बटन यहाँ पे है, बाकी बॉटल होल्डर स्पीकर ग्रिल यहाँ पे मिल रहा है, सिंपल एकदम। अब जो है इसका सीट देखेंगे आप, तो सीट जो है ये बहुत अच्छा यहाँ पे मिलता है। एक तो 60-40 स्प्लिट सीट जरूर यहाँ पे मिल जाता है। देखो 60-40 अपने अकॉर्डिंग इसको जो है, अगर ज़्यादा बंदे हैं या कम बंदे हैं उसको अकॉर्डिंग इसको फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो सामान ज़्यादा ले जाने आने के लिए, अच्छा है। एडजस्टमेंट है यहाँ पे मिल जा रहा है, हेडरेस्ट सब के सब। बाकी तीनों के तीनों जो पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट जरूर यहाँ पे मिल जाता है। और हाँ, ये जो है एक और चीज़ फीचर के साथ यहाँ पे आता है जो कि है 2-स्टेप रिक्लाइनिंग फीचर। वो क्या है, इसको अगर ऊपर करके थोड़ा और दबाओगे तो ये और रिक्लाइनिंग हो जाता है, दोनों हो जाता है। अभी इस साइड से ये वाला है तो उस साइड से करोगे तो ये वाला भी हो जाएगा, बढ़िया है। बाकी सेंटर आर्मरेस्ट रियर वाला यहाँ पे नहीं मिलता है। अंदर बैठेंगे ना यहाँ पे, देखो अरे हाय वाह, क्या मतलब कंफर्ट काफ़ी अच्छा यहाँ पे रियर में मिल रहा है, बहुत अच्छा है। और स्पेस देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिल जाता है। नी रूम हेड रूम बहुत अच्छा यहाँ पे मिल जा रहा है। बाकी जो है हेड रूम यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाता है। स्पेस के मामले में कोई भी शिकायत नहीं है पीछे। बाकी यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एसी वेंट मिल जाता है रियर वाले, ब्लोअर को कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से कर सकते हो। टाइप सी पोर्ट यहाँ पे भी दिया गया है। तो ये था इसका वेन्यू का रियर केबिन के बारे में। एक बार इंजन की बात कर लेते हैं इसका, तो इंजन भी देख लो एक बार इसका, क्योंकि इंजन बहुत मायने रखता है एक गाड़ी के लिए। तो बोनट जो है यहाँ से ओपन हो जाएगा। अभी जो है गाड़ी स्टार्ट है तो उसका साउंड आप सुन सकते हो। ये है एकदम प्योर और रिफाइंड इंजन यहाँ पे मिल जाता है, बढ़िया है, देख सकते हो। बहुत साइलेंट इंजन यहाँ पे मिलता है। और NVH लेवल कम करने के लिए यहाँ पे है ये भी नहीं दिया गया, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी कैबिन में बिल्कुल भी नॉइज़ वगैरह इसमें नहीं आता है। और ये जो इंजन है ये 1.2 लीटर का यहाँ पे मिलता है और 4 सिलेंडर के साथ है। पावर इसमें 83 PS का पावर जनरेट करता है और 113 Nm का टॉर्क यहाँ पे जनरेट कर देता है। तो ये था वेन्यू के इंजन के बारे में, कर देते हैं इसको बंद। और इंजन से माइलेज कितना इसमें मिलता है, तो माइलेज की बात करेंगे इसमें तो 17 से 18 KMPL का माइलेज इसमें क्लेम होता है। बाकी जो है ड्राइविंग के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे ड्राइव कर रहे हैं। तो ये था माइलेज के बारे में। अब बात करते हैं मेन चीज़ जो है गाड़ी की कीमत, तो कितने में ये मिल रहा है। तो लेटेस्ट प्राइस की बात करेंगे, अभी जो है इसका एक्सशोरूम कीमत है वो 9,10,800 इसका एक्सशोरूम कीमत है। बाकी जो है ऑन रोड के लिए संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह दिया गया है, वहाँ से आप इसका संपर्क करके ऑन रोड प्राइस पता कर सकते हैं। और ये जो चैनल है इस पर जेन्युइन रिव्यू आते रहते हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।